मैं अपने श्रावण महीना की चांदनी एकादशी की कथा सुनाऊं, ध्यान लगा सुन जो सा। बोलिए ग्यारस मैया की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महीजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया, तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी के धर्म के तत्वज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी, एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विसीर्ण होता टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा, तुम सब लोग किसके लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्र हीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस दो घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दसवीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वेश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गोपी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वेश्य ने पानी पीती पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि का नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया।
इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इही लोक में सुख पाकर प्रलोक में स्वर्गीय की गति को प्राप्त होता है। बोले एकादशी मैया की जय। बोले विष्णु भगवान की।